मौसम में पिछले कई दिनों से पड़ रही धुंध और पराली धुएं से हो रहे परेशानियों से बच्चों को बचाने के लिए पंजाब सरकार ने 9 नवंबर से 11 नवंबर तक सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद जगराव में दो स्कूल ऐसे हैं जिनमें सरकारी हुक्मों की परवाह किए बिना स्कूल आम दिनों की तरह खुले रहे और पहले की तरह क्लासेस लगाई गई। इस बारे जब जगराव प्रशासन से बातचीत की गई तो उन्होंने इन स्कूल्स के खिलाफ बनती कार्रवाई करने की बात कही है। नहीं, नोटिफिकेशन आ गई होगी पर मैंने नहीं चेक किया, क्योंकि मैं कोई ऐसी इमरजेंसी में थी कि हमारे किसी रिलेटिव की क्रिटिकल कंडीशन थी, मैं हॉस्पिटल में थी तो मैं नहीं कर पाई। और आके पहला काम ही मैंने नोटिस दिया बच्चों को, ये हमारा नोटिस आ चुका है। देखो मेरे को ये नहीं, एक तो बच्चे उस मौसम में आ रहे हैं, फिर हम उसी टाइम उनको वापस भेज दें। मैंने ये सोचा कि इसके बाद थोड़ा मौसम क्लियर हो जाएगा तो बच्चों को छुट्टी कर दी जाएगी। अब हमने छुट्टी करके भेज देने बच्चे, और उसी टाइम बच्चों को सिस्टमेटिकली हमने नोटिस निकाला कि ये बच्चे नहीं आएंगे, सारे मतलब बच्चे नहीं आएंगे, पर टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ जो है हमारा आएगा। मैं ये कह रही हूँ कि मैं यहाँ नहीं थी, मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरे को मैसेज नहीं, मैंने चेक नहीं किया, नहीं मिला हमें मैसेज। तो आज यहाँ अभी आज ही मेल हमें मिली है एक्चुअली, तो वो मैंने रात को मेरे को मैसेज आया था कि ऐसे हो गया। मैं कह फिर सुबह देखते हैं क्या है, जब बच्चे आने ही शुरू हो गए तो फिर कोई फन नहीं लगता था कि अभी ऐसे मौसम में बच्चे आ रहे हैं तो उसी टाइम हम उनको वापस भेजें। तो हमने यही बेटर सोचा कि थोड़ा मौसम क्लियर होता है, बच्चों को छुट्टी कर दी जाएगी, अगले दो दिनों के लिए नोटिस दे दिया जाएगा। हमने दे दिया, अभी छुट्टी हो रही है, मैंने वैनों वालों को बुलाया। बच्चों की सहूलत अते उन्होंने सिक्योरिटी करके सरकार वालों जो हुक्म होए हैं कि कुछ दिनों की जी धुंध ज़्यादा पै रही है पंजाब के तो स्कूल बंद रखने वास्ते हुक्म जारी हुए सन, पर अब साढ़े ध्यान में यह है कि सनमत विमल जैन तो सेंट प्रग्या स्कूल खोले गए सन, तो क्योंकि इन्होंने जो सरकार के किसी भी हुक्म की उलंघना की है तो कानून अनुसार जो भी इन्हों के खिलाफ कार्रवाई बनती है वह प्रशासन वालों जरूर की जाएगी। वैसे इन्होंने असं मैसेज भी भेज दिता है कि बच्चों की सुरक्षा को बच्चों की सहूलत को तुम बिल्कुल यकीनी बनाओ ता जो किसी भी अणलोड़ी हादसे तो बचा जा सके।